आपका पहला सवाल है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया किस शब्द से उत्पन्न हुआ? आपके ऑप्शन है ए भरत चक्र से, बी हिंदुस्तानी से, सी सिंदूरा शब्द से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है सी सिंदूरा शब्द से। आपका दूसरा सवाल है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन में, बी जर्मनी में, सी भारत में, डी इंग्लैंड में। आपका आंसर है ए ब्रिटेन में। आपका तीसरा सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए गौरी शंकर, बी मूल शंकर, सी दया शंकर, डी अभि शंकर। आपका आंसर है बी मूल शंकर। आपका चौथा सवाल है, विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए भारत देश, बी फ्रांस देश, सी जापान देश, डी इटली देश। आपका आंसर है डी इटली देश। आपका पांचवा सवाल है, वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1953 में, बी 1950 में, सी 1947 में, डी 1940 में। आपका आंसर है ए 1953 में। आपका छठा सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किस देश में होता है? आपके ऑप्शन है ए चीन में, बी नेपाल में, सी भारत में, डी पाकिस्तान में। आपका आंसर है सी भारत में। आपका सातवां सवाल है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1945 में, बी 1947 में, सी 1950 में, डी 1951 में। आपका आंसर है डी 1951 में। आपका आठवां सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी किस सन में बनी थी? आपके ऑप्शन है ए 1911 में, बी 1916 में, सी 1947 में, डी 1950 में। आपका आंसर है ए 1911 में। आपका नवा सवाल है, कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए क्रोध दिखाना, बी बहुत सुंदर लिखना, सी बहुत मेहनत करना, डी गलत चीजें लिखना। आपका आंसर है बी बहुत सुंदर लिखना। आपका दसवां सवाल है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1920 में, बी 1935 में, सी 1936 में, डी 1926 में। आपका आंसर है डी 1926 में। आपका ग्यारहवां सवाल है, रोम की सभ्यता में किस भाषा का इस्तेमाल होता था? आपके ऑप्शन है ए अरबी भाषा का, बी यूनानी भाषा का, सी लैटिन भाषा का, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।